सुबह के नाश्ते में गर्मा गर्म चाय और पोहा मिल जाए तो इससे बेहतरीन तो दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारा जो पोहा है वो खिला खिला नहीं बनता है और चिपचिपा बनता है। तो आज उनकी मैं शिकायत दूर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पोहा लिया है, आपको जितना पोहा बनाना हो आप उसके हिसाब से पोहा ले सकते हैं और आपको थिक पोहा लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पतला वाला पोहा ले लेते हैं, हमें यहाँ पर मोटा पोहा लेना है और इसे हमें कम से कम दो बार पानी से धोना है। लेकिन धोना किस तरह से है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। हल्के हाथों से इस तरह से आपको सिर्फ दबाना नहीं है, स्क्वीज नहीं करना है, हल्के हाथों से हिलाना है और ये जो गंदा पानी है इसे निकाल के एक बार और धो के उसे हमें स्ट्रेनर में इस तरह से रख लेना है। इस तरह की चलनी हो तो उसमें हमें इसे रख लेना है और फैला देना है। तो ये तो हुई पोहे की बात। इस पोहे में हमें डालना है सिर्फ एक प्याज और एक आलू, दो हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। अब एक पैन हमें गर्म करना है, उसे चार चम्मच तेल हमें गर्म करना है और उसमें डालनी है हमें आधी चम्मच राई। राई का फ्लेवर पोहे में अलग ही टेस्ट देता है। अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे। बहुत सारे लोग इसमें सिंग दाना भी डालते हैं लेकिन मैंने वो सिंग दाना नहीं डाला है। मैं बहुत ही सिंपल पोहा बता रही हूँ और इसमें मैंने डाला है कड़ी पत्ता। आपके पास में फ्रेश करी लीव्स हो तो आप वो डालिएगा। अब डालेंगे आलू। आलू को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, बहुत ही पतले पीसेस है आप देख सकते हैं। बहुत ही बारीक चॉप करिएगा क्योंकि इसे हमें जल्दी कुक करना है। इसे ढक देंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद जब हम देखेंगे तो उसका जो कलर है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा और आपको गैस की फ्लेम इन सारी प्रोसेस में लो ही रखनी है। अब हम डालेंगे प्याज और इसके बाद डालेंगे हरी मिर्च जो हमने बारीक चॉप कर ली थी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। प्याज को हमें हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। अब डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। सुबह की भागदौड़ में ब्रेकफास्ट बनाना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ब्रेकफास्ट बनाया है। अब इसमें पोहा डालना है और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे बहुत ही हल्के हाथों से आपको मिक्स कर देना है। फ्लिप एंड पुट की मेथड यूज करनी है। फ्लिप एंड पुट। अगर आप इसे दबा दबा के मिक्स करेंगे तो पोहा आपका बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा बनेगा। तो आप मेरी इस मेथड से मिक्स करिएगा, आपका पोहा बहुत ही अच्छा बनेगा। अब आपको इसे ढक देना है 5 मिनट के लिए और ढकने के तुरंत बाद आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। 5 मिनट तक आपको इसे ढक कर रखना है। 5 मिनट बाद जब आप खोलेंगे तो जो गर्माहट है, जो स्टीम है, उससे जो आपका पोहा है वो पक चुका होगा और आप देख सकते हैं कितना खिला खिला पोहा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मस्त पोहा बना है, जैसा कि आपको मार्केट में मिलता है खिला खिला और जरा भी स्टिकीनेस नहीं है इसमें। तो आप भी मेरी इस मेथड को फॉलो करके पोहा बनाइएगा, आपका भी पोहा इसी तरह बनेगा। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इसमें सिंग दाना डालते हैं, मटर डालते हैं, शिमला मिर्च डालते हैं, मैंने वो सारी चीज़ें नहीं डाली हैं। बहुत ही सिंपल पोहा बनाया है और एंड में मैं इसमें डालूंगी नींबू और आप अपने पसंद की नमकीन ऐड कर सकते हैं इसमें। और आपका जो पोहा है, जो ब्रेकफास्ट है, हेल्दी एंड लाइट ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। ये देखिए, मैं आपको अभी चम्मच से भी दिखा देती हूँ कितना यमी पोहा बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और अब पोहे के साथ में एक गर्मा गर्म चाय भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो चाय के साथ हम पोहा ईट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जब से मैं